आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखे आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। आजमगढ़ के महाराजगंज स्थानीय थाना क्षेत्र के देवारा जदीद ग्राम सभा के टोटावा में भतीजा ने मामूली बात पर अपनी चाची की हत्या कर दी। घटना की सूचना पर स्थानीय थाने की पुलिस आनंद फानंद में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महाराजगंज पहुंची, जहां गंभीर रूप से घायल महिला को इलाज के दौरान मौत हो चुकी थी। शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया तथा घटना की जांच में जुट गई। मिली जानकारी के अनुसार सुबह करीब 8:30 पर अमित निषाद पुत्र शिव कुमार 16 वर्षीय अपनी जनसेवा केंद्र पर बैठा था कि तभी उसकी चाची साफी देवी व रीता पत्नी राजकुमार के बीच मामूली कहा सुनी होने लगी। इतने में अमित अपनी दुकान से लोहे की राड लेकर निकला और पीछे से अपनी चाची साफी देवी के सिर पर मार दिया, जिससे वह मौके पर ही गिर गईं। अमित को मारता देख आसपास के लोग महिला को बचाने के लिए दौड़े। लोगों को आता देख अमित वहां से भाग गया। घर वाले गंभीर रूप से घायल महिला के इलाज हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महाराजगंज लाए, जहाँ डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही सीओ सगड़ी मौके पर पहुंचे और घटना का संज्ञान लिया। सीओ सगड़ी विजय कुमार ने मीडिया को बताया कि आरोपित के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई है तथा स्थलीय निरीक्षण के लिए फॉरेंसिक टीम को बुला लिया गया है। उन्होंने बताया कि जल्द ही आरोपित को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जाएगी। महाराजगंज थाना के अंतर्गत देवरा जदीद ग्राम का प्रकरण है, जिसमें सुबह 8:30 बजे एक महिला जिसका नाम साफी है, उम्र लगभग 55 वर्ष, बैठ के आग ताप रही थी और कुछ महिलाओं से बातचीत कर रही थी। उसके पास में उसका भतीजा जो सेवा केंद्र संचालित करता है, नाम अमित निषाद है, उसने किसी बात पर उग्र होकर तत्काल एक लोहे का राड निकाला और महिला के ऊपर हमलावर हो गया। महिला के ऊपर उसने चोटें की, जिसे महिला वहीं पर घायल होकर गिर पड़ी। उसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए ले जाया गया चिकित्सा के लिए, तो देखा गया तो वहां पर उसे मृत पाया गया है। इस संदर्भ में धारा 302 IPC का अभियोग पंजीकृत किया गया और आरोपी अमित को पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की जा रही। बहुत जल्दी से वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी, बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज 9 भारत पर अब चाहूंगे इजाजत। नमस्कार।